देखिए मम्मी मेरे को क्या लगा रही है। भूत बनाना भूत। तो गाइस आज है संडे और हम लोग का चेहरा थोड़ा सा वो लग रहा था, तो हम लोग थोड़ा सा इसमें बेसन और दूध और हल्दी बस लगा अभी हम लोग का सूख जाएगा, हम लोग नहाएंगे क्योंकि हम लोग है भूत। गुड मॉर्निंग गाइस, आज संडे और अभी तक हम नहाए नहीं हैं। पानी आ रहा है तो फिर मैं सोची तब तक मैं कोई और काम कर लेती हूँ। फिर मैं बना रही हूँ अभी का सब्जी, उसमें मैं डालूँगी कच्चा आम। मैंने आलू को उबाल लिया है और इसको छील के इसके पीसेस के लिए दो, अभी मेरा खराब निकल गया तो इसमें मैं आलू को ऐड करूँगी। आलू दिख रहा है तो चलिए बनाते हैं। इधर मैं मसाले को भून रही हूँ, इधर देखिए मसाला बना रहा है। इसमें कच्चा आम पड़ेगा, अभी पड़ेगा आलू पड़ेगा, मैंने आटा लगा के रख दिया है। गुड मॉर्निंग गाइस, भावना जैसा यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। उम्मीद है आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने फैमिली का ख्याल रखते होंगे। तो हम लोग नहा धो लिए हैं और हर्षी भी नहा धो लिया है। गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज है मदर्स डे, तो आप लोग को हैप्पी मदर्स डे माय यूट्यूब फैमिली। और कैसे हैं आप लोग? तो बच्चे स्कूल नहीं गए क्योंकि आज संडे है। नाश्ता मैंने बना लिया, नाश्ता में मैंने बनाया है ब्लॉग में देखेंगे, और उनकी सब्जी और रोटी। और पतिदेव आने वाले हैं तो ब्लॉग में बने रहिए, मिलते कुछ देर बाद। गाइस पतिदेव आने वाले हैं और मैं बना रही हूँ खाना। तो खाने में बना रही हूँ आलू पराठा का भुजिया, क्योंकि वो अरवी की सब्जी नहीं खाते हैं। चावल चढ़ा दिया है, वही मतलब कैसे चढ़ाया, अलग हो गया। और क्या बोलते हैं, बिना अलग हो गया। चलो देखते हैं हर्ष क्या कर रहा है। ओ ओ ओ ओ वाव, हर्ष तुम क्या कर रहे हो? ओरियो तो किसको किसको ओरियो पसंद है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो गाइस खाना बन गया है, पति देव आए हैं और उनको और की सब्जी नहीं पसंद है तो मैंने फटाफट बना लिया। थैंक यू। और देखिए गाइस इतना प्यारा अच्छा सा कार्ड बनाने के लिए, ये देखिए। और मैं दिखाती हूँ, ये देखिए। और मैं आपको सुनाती हूँ कि इन्होंने क्या लिखा है। सो स्वीट लवली मॉम, सो क्यूट मॉम, सो मच मॉम, ओ मेरी प्यारी माँ, सबसे प्यारी माँ, सबसे न्यारी माँ, ओ माँ, ओ मेरी माँ, थैंक यू। और इसके साथ मुझे एक चॉकलेट्स भी मिला है। मैं भी। हाँ थैंक यू। खुश रहो। हैप्पी मदर्स डे मम्मा। हैप्पी मदर्स डे मम्मी। थैंक यू। मेरा बच्चे है, मेरी बच्ची, मेरी सोने बच्चे हैं। तो गाइस क्या आपके बच्चों ने भी आपको विश किया तो कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो गाइस पति दो घर आ गए हैं, तो ये देखिए इनको डुगू जबरदस्ती बुलाया है। और ये मेरी बेटी कार्ड दिए, हवा से उड़ रहा है। बेटा रख दो इसको अच्छे से। चॉकलेट। और डुगू तो हमको कुछ दिया नहीं है, क्या दे इसको? तो अपने से ही नहीं हटता है तो मुझको क्या देगा? देख रहे हैं इसमें से हिस्सा लगाने के लिए बैठा है। खाना खा लीजिए। इनको अरवी सब्जी नहीं पसंद है। आप लोग को अरवी सब्जी पसंद है कि नहीं कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो देखिए गाइस मेरे बाइक खरीदाया है और ये चला रहा है। देखो तो आने दो, देखो जी देखो, ये देखिए ऐसा बाइक आप लोग ने कभी देखा नहीं होगा जो बिना बाइक के हेलमेट लगा के गाड़ी चल रहा है। तो गाइस बहू आ गई है ससुर जी से मिलने के लिए।
आ गई हो ना? हाँ। पापा जी से मिलने? हाँ। मिलोगी कि नहीं? मिलूंगी। और क्या लोगी पापा जी से? चॉकलेट। चॉकलेट। और घूमने नहीं जाना है? जाना है। झूला नहीं झूलोगी क्या? झूलूंगी। हाँ? झूलूंगी। हाँ। ससुर जी आ रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं। सुंदर जाओगी, यहीं रहोगी? यहीं रहोगी। बोल दो आपका बेटा मेरे से नहीं बोल रहा है, बता दो ना। आपका बेटा मेरे से नहीं बोल रहा है। काहे नहीं, क्या हुआ है? शादी करने को बोलता है? नहीं। बोलो ना कि मनाइए उसको। अच्छा, कहाँ कहाँ घूमना है, क्या क्या खाना है, बोल दो पापा जी से अपने। मेरे को हेलीकॉप्टर में, हाँ। गाड़ी वाले में, हाँ। कूदने वाले में, ट्रेन वाले वो लोग घुमाएंगे कि नहीं? तो पैसा नहीं जाएंगे तो? नहीं। तो पैसे घुमा लेगा, तो ज्यादा पैसा लगेगा ना? तो बिना पैसे के कैसे घुमाओगे? इसमें तो कुछ है ही नहीं, बस खिलौना लगती है। तो बोलो, आप पैसा कमाते हो तो आप ना खर्चा करोगे, बोलो ना तेज से बोलो। आप जब पैसा कमाते हो तो आप खर्चा करते ना? आइसक्रीम खा लेना, क्या करेंगे लोग? बच्चे मैं चुन लूंगा, अब आइसक्रीम खाओगे? एक चीज मिलेगा, आइसक्रीम चाहे झूला। ससुर के साथ घूमने जाएगी तो क्या पहन के जाएगी तू? मेरी रोज मम्मी यही पहनाती है। तेज बोलना। मेरी मम्मी रोज यही पहनाती है। तो ठीक है, तुम जाओगी ना अपने ससुर के साथ घूमने, तो क्या पहन के जाओगी कपड़ा? ये ससुर के सामने इतना छोटा छोटा ड्रेस पहन के जाओगी? हम क्या जमाना आ गया गाइस, देख रहे हैं? इतना छोटा छोटा कपड़ा पहन के जाएगी ससुर के साथ घूमने? मैं तो सूट पहनती हूँ, साड़ी पहनती हूँ, ये पहन के नहीं जाती हूँ। तुम कैसे जाओगी? मैं तो यही पहन के जाऊंगी। तो दुनिया वाले क्या कहेंगे? साड़ी ले लो तुम एक दो ठो, ठीक है? और एक सूट ले लो। क्या बोल रही हो? ठीक है, पापा जी से बोल दो कि साड़ी सूट दिला दीजिए। बोलो ना ससुर जी से, बोलो कि हमको दिला दीजिए। ससुर के साथ घूमने जाएगी तो क्या पहन के जाएगी तू? मेरी रोज मम्मी यही पहनाती है। तेज बोलना। मेरी मम्मी रोज यही पहनाती है। तो ठीक है, तुम जाओगी ना अपने ससुर के साथ घूमने, तो क्या पहन के जाओगी कपड़ा? ये ससुर के सामने इतना छोटा छोटा ड्रेस पहन के जाओगी? हम क्या जमाना आ गया गाइस, देख रहे हैं? इतना छोटा छोटा कपड़ा पहन के जाएगी ससुर के साथ घूमने? मैं तो सूट पहनती हूँ, साड़ी पहनती हूँ, ये पहन के नहीं जाती हूँ। तुम कैसे जाओगी? मैं तो यही पहन के जाऊंगी। तो दुनिया वाले क्या कहेंगे? साड़ी ले लो तुम एक दो ठो, ठीक है? ठीक है। और एक सूट ले लो। क्या बोल रही हो? ठीक है, पापा जी से बोल दो कि साड़ी सूट दिला दीजिए। बोलो ना ससुर जी से, बोलो कि हमको दिला दीजिए। तो गाइस, हम हो गए हैं रेडी और अब पति देव के साथ जा रहे हैं घूमने। तो मैं कैसी लग रही हूँ आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। पूरा गर्मी से मैं भीगी हुई हूँ, थोड़ा सा पसीना सुखा रही हूँ, फिर जाऊँगी। ठीक लग रही थी? ये है मेरा हर्षित। तो ब्लॉग पे बने रहिए, मिलते हैं कुछ देर बाद। तो गाइज, हम लोग प्रदर्शनी में पहुंच चुके हैं। तो हम जो बाहर खड़े हैं, पतिदेव गए हैं टिकट लेने और हम लोग इधर खड़े हैं, गाड़ी इधर लगा दिए हैं। और इधर लाडू, दृष्टि, डुगू डैडी के पास अपने भाग भाग के जा रहे हैं और मैं इनके पीछे पीछे जा रही हूँ, देख रही हूँ कि वहाँ पर क्या हो रहा है। तो देखिए, मैं भी आ गई और इधर एक काउंटर पे टिकट ले रहे थे, तो हम लोगों ने टिकट ले लिया है। अब एंट्री करने के लिए अंदर की तरफ निकल रहे हैं। इधर देखिए, लाडू भाग रही है। ये देखिए लाडू है और वंश है, और ये हैं पतिदेव जो मुस्कुराते हुए चल रहे हैं। इधर देखिए लाडू और डुगू आगे आगे चल रहे हैं, यानी मेरे बेटे बहू चल रहे हैं आगे आगे।
और हम लोग पीछे पीछे चल रहे हैं। यहाँ का व्यू बहुत ही खूबसूरत था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो आप लोग को दिखाया था पिंक पिंक ब्लू ब्लू, कई लाइट है लाइट है, फोटो खींचने पे फेस पे पिंक पिंक आ जा रहा था। तो ये देखिए देखिए मेरे फेस पे पिंक पिंक आ रहा है, कहीं ग्रीन ग्रीन आ रहा है तो इधर देखिए, इधर मिला था फायर पान और वो बिस्किट धुआं वाली जो होती है उन्होंने हम लोग नहीं खाया। फिर इधर आगे इधर बहुत सारा झूला था, तो बच्चे को इसमें जाना था क्योंकि इसमें इन लोगों को कूदना था एंजॉय करना था। तो हम लोगों ने बोला कि चलो ठीक है, तो पति देव टिकट कटवा रहे थे और अभी सोच रहे थे कि किस वाले झूले में भेजें। मैंने बोला इसी में भेज दीजिए, इसमें बच्चे काफ़ी इंजॉय कर लेंगे। तो फाइनली बच्चे हमारे अंदर चले गए हैं और यहाँ पर झूल रहे हैं, कूद रहे हैं, सॉरी ये लोग कूद रहे हैं। तो फिर हम लोग बैठ गए ट्रेन वाले में, तो ये हम लोग का तो इसमें ट्रेन वाले में हम लाडू हर्षित उनके डैडी और दृष्टि हम पांचों लोग ट्रेन में बैठ गए हैं और ट्रेन चलने वाली है। छक 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 छक, तो हमारी ट्रेन निकल चुकी है और हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था। तो इधर लाडू को भी बड़ा मज़ा आ रहा था, हर्षित को तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, हर्षित चिल्ला रहा था। हर्षित बोलते पूरी रात ट्रेन चलती रहेगी मम्मा, हम के हाँ बेटा पूरी रात तो चलेगी ही। फिर हम लोग ट्रेन में से उतर गए और बढ़ रहे थे आगे की तरफ, तो इन लोग को एरोप्लेन में बैठना था, तो हेलीकॉप्टर में बैठना था। तो हेलीकॉप्टर में बैठ गए मेरे हर्षित लल्ला, तो आप लोग को जैसे दिख रहा होगा। और इधर मेरी बेटी दृष्टि बैठी है और उसके बगल में लाडू। फिर मैंने खाया पॉपकॉर्न, मुझे लगी थी थोड़ी थोड़ी भूख, तो हम लोग ने लिया पॉपकॉर्न। अब मैं अब पतिदेव दोनों लोग बैठ के पॉपकॉर्न खाने लगे। तो फिर हम लोगों ने पॉपकॉर्न लिया, इधर गेम था 20 में 4 वैसे गोल था उसको फेंकना था जिसमें फंस जाए, हम लोग का किसी में नहीं फंसा। फिर हम लोग और आगे बढ़े और इधर बहुत सी 5 रुपये हर माल का सामान मिल रहा था। फिर उसके आगे बढ़े तो फिर इधर चूड़ियाँ थी, खिलौने थे, तो बच्चों का डिमांड था खिलौना, तो उनके डैडी बोले कि नहीं खिलौना निकल जाएगा, उनके पास पैसे उतना नहीं थे, तो बाबू को एक बॉल दिलाया। और फिर इधर दृष्टि को इरेजर, दृष्टि फालतू का सामान ही खरीदती है, कभी कोई यूज करने वाला सामान नहीं खरीदती है, उसका तो मुझको समझ में नहीं आया था, तो उसने स्लैम पता नहीं क्या स्लैम होता है वही खरीदी। फिर मैं बाहर निकल गई गाइस, बाहर निकल गई और पतिदेव दृष्टि को कुछ दिलाए नहीं थे, तो वो पहुंच गए थे उसके लिए कुछ लेने के लिए। इधर मैं लाडू और डुगू बैठे खड़े थे वेट कर रहे थे। इधर देखिए डुगू लाडू के साथ कितना एंजॉय कर रहा है, लाडू को भी डुगू का साथ बहुत अच्छा लगता है, दोनों खूब मस्ती कर रहे हैं, खूब इंजॉय कर रहे हैं और लाडू पोज दे रही है। और फिर इन लोग का मन किया गोला खाने के लिए, तो हम लोग ने बनवाया गोला। आप लोग को गोला पसंद है कि नहीं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाडू को तो बहुत पसंद है, उसने बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए मुझे गोला चाहिए, कुछ नहीं चाहिए उसको। और मैंने भी उसको एक छोटी सी क्यूट सी जूती दिला दी थी, लेकिन क्योंकि बच्ची है तो आई है तो कुछ दिलाना ही पड़ेगा। तो इधर ये अपना गोला लेके और निकल पड़ी, देखिए एक भी बार पूछी भी नहीं कि खाओगी कि नहीं खाओगी, पतली गली से निकले। फिर इधर हम लोग दूसरा गोला बन रहा था दृष्टि के लिए, तो वो देख रहे थे। फिर दृष्टि ने मुझे थोड़ा सा टेस्ट करवाया जो कि अच्छा था, पर मैं ठंडा ज़्यादा नहीं खाई, मैं तबियत नहीं। अड्डू को गोला नहीं खाना, उसको फीवर था, तो इन्होंने खाया मोमोज और ये अपना मोमोज खा लिए, पानी पी लिए हैं। अब हम लोग आ गए मधुराज में हमारे रेस्टोरेंट में, यहाँ पे बैठ कर हम लोग वेट कर रहे थे कुछ खाने के लिए। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि पति देव का पैसा खर्चा हो रहा था इसीलिए उनका मुँह खुला हुआ है, इसीलिए इधर चाउमिन आ गया है। और फिर लाडो के ही मुझे रसगुल्ला वाइट वाला खाना है, तो ये देखिए ये पूरा रसगुल्ला खड़े ही उठा के। तो गाइस हम लोग घूम फिर के आ गए हैं और खाना ना खा लिया, अब हम लोग सोने जा रहे हैं। तो गुड नाइट, इसी साथ ब्लॉग को ख़त्म करते हैं, कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट।